हेलो एवरीवन। तो आईटीआई वालों के लिए एक और वैकेंसी निकल कर आई है और इस वैकेंसी में आईटीआई की दो चार ट्रेड नहीं, सभी की सभी ट्रेड यानी कि टोटल 60 ट्रेड को यहां पर मौका दिया गया है। अब 60 ट्रेड ली गई हैं तो कोपा भी इसमें होगी ही, इसमें कोई भी ये डाउट नहीं है कि कोपा है या नहीं है, कोपा भी है। तो जो वैकेंसी है वो देखिए कितनी बढ़िया पोस्ट है, इंडियन नेवी जो है यहाँ से हमारी वैकेंसी निकली है, वो भी ट्रेड्समैन पोस्ट के लिए। ट्रेड्समैन पोस्ट है उसके लिए यहाँ पर आईटीआई वाले एलिजिबल हैं। हम केवल आईटीआई की बात करेंगे और जो अदर पोस्ट है उसके बारे में बात नहीं करेंगे। इंडियन नेवी जो कि आपने जाना पहचाना नाम है, आप सभी ने सुना होगा, तो यहाँ पर आपको काम करने का मौका मिल रहा है। बहुत सारी ट्रेड, मैंने बोला है ना, सभी ट्रेड यहाँ पर एलिजिबल हैं, तो उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रेड्समैन के बारे में बात कर लेते हैं। बाकी आप कैसे नोटिफिकेशन डाउनलोड कर पाओगे, राइट, और कब से हमारे फॉर्म जो स्टार्ट हैं, एज लिमिट क्या है, सारी चीज़ें आपको इसी वीडियो में समझने को मिल जाएंगी। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो ट्रेड्समैन पोस्ट है उसके बारे में, ट्रेड्समैन मीट, ठीक है, ये रही। तो यहाँ पर एज लिमिट सबसे पहले जान लेते हैं, क्योंकि एज लिमिट में नेवी सब जानते हैं कि मैक्सिमम 21 साल ही मांगते हैं, 21 साल के बाद फॉर्म नहीं अप्लाई कर सकते, लेकिन यहाँ पर कुछ अलग ही है। हमारा है क्या ट्रेड्समैन मीट, ये एच नंबर पे आएंगे तो ट्रेड्समैन मीट के लिए यहाँ पर जो एज लिमिट है वो है 18 से 25 साल। 18 से 25 साल यहाँ पर एज दी गई है, उसमें से SC ST 5 साल, 5 ईयर, एंड यहाँ पर OBC 3 साल, जो भी एज रिलैक्सेशन मिलता है जिस भी कैटेगरी में वो यहाँ पर ज़रूर मिलेगा। यहाँ पर एज रिलैक्सेशन में कोई भी चेंजेस नहीं है। अब क्वालिफिकेशन के बारे में जान लेते हैं, क्वालिफिकेशन हमें अप्लाई करने के लिए क्या क्या ज़रूरी होगा। सबसे पहले तो 10th आपके होनी चाहिए, 10th क्लास किसी भी बोर्ड से हो, ठीक है, और आपके पास आईटीआई की सर्टिफिकेट होना चाहिए, रिलेवेंट ट्रेड। अभी हम ट्रेड भी दिखाएंगे कि कौन कौन सी ट्रेड यहाँ पर एलिजिबल हैं। तो 10th प्लस आईटीआई यहाँ पर हमारी सिंपल सी क्वालिफिकेशन है इसके लिए अप्लाई करने के लिए, ठीक है, सिंपल सी क्वालिफिकेशन है 10th प्लस आईटीआई। अब यहाँ पर हम ट्रेड दिखा देते हैं, आप बहुत ही देर से इंतज़ार कर रहे हैं, आपको एज लिमिट बता दी और फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे ये भी हम आपको जल्दी बताएंगे, ठीक है, बस ट्रेड देख लें, क्योंकि ट्रेड का इंतज़ार आप लोगों को होगा कि ट्रेड हमारी कौन सी है, हम अप्लाई कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो ट्रेड यहाँ पर सबसे लास्ट में दी गई है, ये देखिए लिस्ट ऑफ आईटीआई ट्रेड्स एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ ट्रेड्समैन मेट। ट्रेड्समैन मेट के लिए यहाँ पर जो ट्रेड नेम है कौन सी है, कारपेंटर है, सिविल इंजीनियर है, और सेंट्रल एयर कंडीशनर प्लांट है, मैं सारी तो नहीं पढ़ूंगी, कोपा भी है यहाँ पर, ठीक है, कोपा भी है यहाँ पर जो, और इलेक्ट्रीशियन, फिटर, ड्रेस मेकिंग, ड्राफ्ट मेंबरशिप, सभी ट्रेड यहाँ पर ले ली हैं। आप लोग देख सकते हो, मैं सारी नहीं पढ़ रही हूँ, ठीक है, इलेक्ट्रीशियन है, इलेक्ट्रीशियन पावर डिस्ट्रीब्यूशन है, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक है, इलेक्ट्रोप्लेटर है, फिटर है, फाउंड्री मैन है, इंडस्ट्रियल पेंटर है, ये सारी ट्रेड यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी। मशीनिस्ट है, मशीनिस्ट ग्राइंडर है, ठीक है, मरीन फिटर है, ये सारी ट्रेड आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पर एक और चार्ट है, हाँ, मैकेनिक, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज, मैकेनिक डीजल, मैकेनिक टूल्स एंड मेंटेनेंस, ये सारी ट्रेड यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी। प्लम्बर भी है, ठीक है, तो ये ट्रेड आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो वीडियो को पॉज करके। वेल्डर है, वायरमैन है, तो 64 ट्रेड हैं, ठीक है, 64 ट्रेड हैं, मैंने 60 बोला था, 64 ट्रेड हैं यहाँ पर आपके। तो कोई भी आईटीआई ट्रेड यहाँ पर नहीं छूटी है, यानी कि जो भी आईटीआई होल्डर हैं, चाहे 1 साल हो चाहे 2 साल हो, आप यहाँ पर एलिजिबल हैं। आपने अपनी लिस्ट देख ली है अपनी आईटीआई ट्रेड की, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि कब से हमारे फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं। अब आपको सिलेबस और दिखा देते हैं, ठीक है, एक सिलेबस और आपका है, वो और दिखा देते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, किस तरीके से आपको अपना एग्ज़ाम देना है। यहाँ पर हमारे सामने एक पोर्टल आ गया है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पोर्टल, यानी कि कब से हमारे फॉर्म जो हैं वो अप्लाई स्टार्ट होंगे। तो 20 जुलाई से यानी कि हमारे फॉर्म जो हैं स्टार्ट हो चुके हैं अप्लाई होना। आप कैसे करेंगे आपको हम बताएंगे। क्लोजिंग ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन यानी कि कब तक होंगे, 2 अगस्त तक हमारी जो एग्ज़ाम है वो फिल होंगी, हम 2 अगस्त तक अप्लाई कर पाएंगे। 20 जुलाई से लेकर 2 अगस्त तक हम इस बीच में अपना ये फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। तो ये तो कोई क्वेश्चन रहा ही नहीं कि आप एलिजिबल हैं या नहीं है, डेफिनेटली एलिजिबल होंगे, क्योंकि अगर आपने आईटीआई की है तो आईटीआई तो सारी ट्रेड है, तो यहाँ पर डेफिनेटली आप एलिजिबल हैं, ज़रूर अप्लाई कीजिएगा,
यहाँ पर आपको एक वो और बता देती हूँ कि आपका एग्ज़ाम होगा कैसे। देखिए, यह जनरल इंटेलिजेंस के 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथ के 25 क्वेश्चन, इंग्लिश लैंग्वेज के 25 क्वेश्चन, और जो आपका एग्ज़ाम होगा वो हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज दोनों में होगा। 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 90 मिनट का आपको टाइम मिलेगा। प्रीवियस कट ऑफ की बात करें तो 70 प्लस ही गई है, ठीक है। प्रीवियस कट ऑफ की बात करें तो इसकी जो कट ऑफ है वो 70 प्लस गई है, 70 से 80, 80 से 85, इस तरीके से 70 प्लस ही जाती है। तो अगर आप इसमें अप्लाई कर रहे हैं तो टारगेट हमेशा 70 प्लस का ही रखिएगा, 70 से 75 प्लस का, ठीक है। क्योंकि अब देखो पिछले साल का 72-73 था ओबीसी का, मैं ओबीसी की बात करूँ, जनरल की तो 80 प्लस ही जाएगी, ठीक है। तो टारगेट रखिएगा अपनी कैटेगरी के हिसाब से, 70 से नीचे तो आना ही नहीं है, और ओबीसी से हैं तो 75 प्लस, और जनरल से हैं तो आप 80 प्लस से ऊपर ही लाएं, नीचे ना लाएं। अब बात करते हैं कि हमारा जो यहाँ पर है, हमने एज लिमिट तो जान ली है, ठीक है, एज लिमिट हमने जान ली है। अब बात करते हैं कि एप्लीकेशन की जो फीस होगी वो 295 होगी, ठीक है, यहाँ पर दिख रही है 295 होगी। किसके लिए? जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 295, और एससी एसटी के लिए 0, और जो फीमेल कैंडिडेट होंगी उनके लिए 0, यानी कि कोई भी फीस नहीं लगेगी। और एज लिमिट हमने देख ली है। ट्रेड्समैन मेट की पोस्ट यहाँ पर कितनी है, यानी कि टोटल कितनी सीटें हैं, तो 161 है यहाँ पर आपको देखने को मिल रही होगी, ट्रेड्समैन मेट 161, ठीक है, 161। और क्वालिफिकेशन क्या है? क्लास 10th विद आईटी सर्टिफिकेट इन रिलेटेड ट्रेड। अब इसको आप कैसे फॉर्म अप्लाई करेंगे, आप सरकारी रिजल्ट पर जाएंगे, आप टाइप कीजिएगा सरकारी रिजल्ट गूगल पर, तो वहाँ पर आपको ये इंटरफेस मिलेगा, आपको इंडियन नेवी सिविलियन एंट्रेंस करके एक मिलेगा, तो वहाँ पर आपको क्लिक करना है। नीचे आएंगे तो अप्लाई ऑनलाइन का आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा, अप्लाई ऑनलाइन क्लिक हेयर करेंगे तो यहाँ से आप अप्लाई करने की प्रोसेस को कंटिन्यू कर सकते हैं। और नोटिफिकेशन अगर डाउनलोड करना है तो यहाँ पर क्लिक करके आप नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, और डाउनलोड सिलेबस को डाउनलोड करना चाहते हो तो यहाँ से कर सकते हैं, और डाउनलोड ट्रेड्समैन पोस्ट ट्रेड डिटेल, यानी कि अगर हमें ट्रेड्समैन मेन की जो हमारी आईटीआई वाली पोस्ट है उसके लिए हमें डिटेल में जानकारी चाहिए तो यहाँ से हम क्लिक करके सारी की सारी डिटेल देख सकते हैं। तो आई होप आपको ये पूरी जानकारी समझ में आ गई है। 161 पोस्ट है, बहुत ही ज़्यादा हैं, ठीक है, 161 काफ़ी होती हैं, और सभी ट्रेड हैं तो डेफिनेटली एलिजिबल हैं आप लोग, ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। और एज का कोई यहाँ पर मसला नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपको 18 से 25 साल यहाँ पर काफ़ी छूट दे दी गई है, 18 से 25 साल लिए जा रहे हैं, और आपको एज रिलैक्सेशन भी मिलता है अगर आप उस कैटेगरी में आते हो तो डेफिनेटली आप इसमें ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। यहाँ पर एक मौका बहुत ही अच्छा है आप लोगों के लिए, तो आप लोग ज़रूर अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। और ये इन्फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेशन आईटीआई वालों के लिए इस चैनल पर आपको देखने को मिलेगी।